हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेनर चैनल। इस वीडियो में हम लोग गूगल लेंस ऐप के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक काफ़ी लोग इस ऐप के बारे में जानते हैं, बट अभी तक काफ़ी लोग इसे अच्छे से यूज़ नहीं करते हैं और इसके जो भी बेनिफिट्स हैं उनको अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। पर्सनली इस ऐप को मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ और इससे मेरी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपके बहुत सारे जो मैनुअल एफर्ट्स है वो कम हो गए हैं और इससे आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे डेमो दिखा के बताऊंगा कि किस टाइप से गूगल लेंस है वो आपकी डेली लाइफ के काफ़ी काम है उनको आसान कर देगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गूगल लेंस की जो सर्विसेज है उनको हम एक्सेस कैसे करें। तो पहला ऑप्शन है कि आपको गूगल सर्च पे जाना है, तो गूगल सर्च के ऐप के ज़रिए भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर गूगल सर्च ऐप दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करके ओपन करना है। तो यहाँ पर सर्च में आपको एक तो माइक्रोफोन का ऑप्शन दिख रहा है और उसके राइट साइड में कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, तो वही गूगल लेंस का ऑप्शन है बेसिकली। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, गूगल लेंस ओपन हो गया है। तो आपको टॉप पे गूगल लेंस का नाम दिख रहा है, उसके नीचे दिख रहा है सर्च विथ योर कैमरा, तो आपको उस पर क्लिक करना है सर्च विथ योर कैमरा पे। जैसे इस पर क्लिक करोगे, गूगल लेंस का ऐप है वो ओपन हो गया है। तो ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका है, आपको प्ले स्टोर पर जाके गूगल लेंस से उसको डाउनलोड करना है। तो आपको प्ले स्टोर पर क्लिक करना है, वहाँ जाके आपको गूगल लेंस सर्च करना है। तो आपको पहला ही ऑप्शन दिखेगा गूगल लेंस का, उसको आपको इंस्टॉल करना है। तो इस मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे भी आपको वही ऑप्शंस दिख रहे हैं, गूगल लेंस और नीचे सर्च विथ योर कैमरा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे गूगल लेंस ओपन हो चुका है। तो ये था दूसरा एंड सिंपल तरीका कि आप गूगल लेंस का ऐप डाउनलोड करो और उसके ज़रिए इसकी जो भी सर्विसेज है उनका बेनिफिट लो। तो गूगल लेंस में सबसे पहले आपको एकदम नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब ये एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में टेक्स्ट डेटा है उसको ट्रांसलेट कर सकता है। नेक्स्ट हम इसका एक डेमो देखेंगे। नाउ डेमो के लिए मैंने यहाँ पे IPL की कमेंट्री क्रिकबज वेबसाइट पे ओपन कर रखी है। तो इसको हम यहाँ पे कैप्चर करते हैं। उसके बाद आपको जो राइट साइड में एरो के राइट साइड में जो ऑप्शन दिख रहा है उस लैंग्वेज को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो अभी इंग्लिश टू इंग्लिश ही है, हम जो राइट साइड में इंग्लिश है इसको चेंज करके लेट से हम हिंदी में कर देते हैं। तो आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ हिंदी सेलेक्ट करना है। तो अभी इंग्लिश में जो भी टेक्स्ट था वो सारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। ऑलराइट, तो आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे हो, जैसे राशिद खान के बारे में, मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब ये मैन ऑफ द मैच था, और उसके बाद जो भी उसने बोला है वो हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया है। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ यहाँ अच्छे से ट्रांसलेट हो गई है। तो आप देख पा रहे हो कि आपने बस एक फ़ोटो ली है और जो भी टेक्स्ट डेटा था इंग्लिश में था यहाँ पे, तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे ही जिस भी लैंग्वेज में यहाँ पे टेक्स्ट डेटा होगा उसको ये दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, जिस भी लैंग्वेज में आपको करवाना हो। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है इसके नीचे काफ़ी ऑप्शंस दिख रहे हैं, सेलेक्ट ऑल, तो आप सारा डेटा है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो सारा जो भी टेक्स्ट डेटा था यहाँ पे, मतलब हिंदी में अब ट्रांसलेट हुआ है, तो ये टेक्स्ट डेटा पूरा सेलेक्ट हो गया है। इसको आप कॉपी कर सकते हो, तो यहाँ कॉपी टेक्स्ट करो, और जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है, किसी को भेजना है, तो आप व्हाट्सएप या मैसेजेस के थ्रू भेज सकते हो। उसके बाद कॉपी टेक्स्ट के राइट में कॉपी टू कंप्यूटर दिख रहा है, मतलब ये टेक्स्ट आप मोबाइल में कॉपी कर सकते हो और कंप्यूटर में ये अपने आप कॉपी हो जाएगा, वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो। बट इसके लिए आपके कंप्यूटर में गूगल क्रोम पे ये सेम ही अकाउंट है वो ओपन होना चाहिए, मतलब सेम ही गूगल अकाउंट से ओपन होना चाहिए। तो आपको यहाँ कॉपी टू कंप्यूटर करना है, तो यहाँ पे ये नियर बाई कंप्यूटर सर्च करेगा जहाँ पे आपका गूगल अकाउंट ओपन है, इसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेक्स्ट है यहाँ पे कॉपी हो गया है। ऑलराइट, अब हम कहीं पे भी इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो लेट से हम यहाँ पे नोटपैड पे इस पर कंट्रोल वी करके पेस्ट करते हैं। तो देखो जो भी क्रिकबज की वेबसाइट पे कमेंट्री थी यहाँ पे, वो पूरी यहाँ पे हिंदी में पेस्ट हो चुकी है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है कि आप मोबाइल में कुछ डेटा कैप्चर किए हो उसको कॉपी करके आप लैपटॉप में पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद कॉपी टू कंप्यूटर के राइट में लिसन का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप वन बाई वन इस टेक्स्ट को सुन सकते हो। तो आप एकदम रिलैक्स हो रहे हो, तो बस यहाँ लिसन पे क्लिक करो और एकदम से जो भी कमेंट्री है यहाँ पे वो रीड हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर कोई न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ आर्टिकल्स हो, तो उसको भी यहाँ पे सुन सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद आपको राइट में सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, तो जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी किया था इसको सर्च भी कर सकते हो। तो आप जब पूरे डेटा को सेलेक्ट करते हो तो आपको ये सब ऑप्शंस मिलते हैं,
अब हम बैक एरो पे क्लिक करके वापस जाते हैं, फिर से हम इसको कैप्चर करते हैं। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट ऑल के राइट में यहाँ लिसन का ऑप्शन दिख रहा है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किया है, और यहाँ शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप ये जो डेटा है, जो भी ट्रांसलेटेड डेटा है या ओरिजिनल डेटा है, उसको भी आप शेयर कर सकते हो। तो इंस्टा, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, उनके जरिए आप शेयर कर सकते हो। उसके बाद राइट में ओपन इन ट्रांसलेट, मतलब जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट डेटा सेलेक्ट किया है वो ट्रांसलेट ऐप, जो गूगल का ट्रांसलेट ऐप है, उसमें ओपन हो जाएगा। तो ये भी सेम ही है, मतलब ऑलरेडी हम इसको ट्रांसलेट कर चुके हैं। आपको ऊपर डायरेक्टली या इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू कोई दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, लेट से हम अफ्रीकांस में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो अफ्रीकांस में ट्रांसलेट हो गया। तो आप यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हो उस डेटा को। फिर से हम बैक एरो पे क्लिक करते हैं। तो ये सब ऑप्शंस थे ट्रांसलेट के। उसके बाद ट्रांसलेट के राइट में आपको टेक्स्ट के ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे इमेज में जो भी टेक्स्ट डेटा है वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, और आपको यहाँ पे टेक के फोटो वर्ड्स टू कॉपी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट ऑल, लिसन, ये सब ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिए हैं। उसके बाद हम फिर से बैक करते हैं। उसके बाद ट्रांसलेट के राइट में आपको सर्च के ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो लेट से इस प्लांट का नाम मेरे को पता नहीं है, तो आपको यहाँ सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना होगा, ऊपर वाले पे। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये गूगल पे सर्च हो जाएगा, और आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं सिमिलर प्लांट्स के। और सबसे पहला जो नाम दिख रहा है जेड प्लांट है, और एक्चुअली ये वही प्लांट है, मतलब आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और ज़्यादातर जगह इसका नाम जेड प्लांट ही दिख रहा है। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ जिसका नाम आपको पता नहीं है उसको आप सर्च कर सकते हो। लेट से इस पिल्लो को हम सर्च करते हैं यहाँ पे। तो देखो एग्जैक्ट ये का ये पिल्लो है वो रिफ्लेक्ट हो गया है, उसकी प्राइस भी बता रहा है, कौन सी वेबसाइट जैसे paperfry.com पे ये 512 रुपये में मिल जाएगा, या कोई दूसरी वेबसाइट पे है ऐसा सही, या कोई दूसरा आइटम तो वो भी मिल जाएगा। तो मतलब यहाँ पिल्लो से सिमिलर जो भी प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। नेक्स्ट हम लेट से ये सैनिटाइजर बोतल है, इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आपको एकदम आइडेंटिकल डिटोल के सैनिटाइजर्स दिख रहे हैं, उनकी प्राइसेस भी दिख रही है अलग अलग वेबसाइट पे। ऐसे ही लेट से यहाँ पे एक हेडफोन है, इसको हम सर्च करते हैं कि इसका प्राइस रेंज क्या है, इसका नाम क्या है ये सब। तो आपको यहाँ सर्च पे, सर्च आइकन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एग्जैक्ट इस हेडफोन का नाम आ गया है, Palanthro 6 Blackwire C3220, और इसका अलग अलग वेबसाइट पे यहाँ प्राइस आ गया है। जैसे moglix.com पे ये 3759 में मिलेगा, अमेजोन पे 4250 में मिल रहा है। तो ये सब सर्च के ऑप्शंस थे, मतलब आप कोई भी आइटम या प्रोडक्ट है उसको सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पता कर सकते हो। आपको कोई आइटम के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो भी आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद सर्च के राइट में आपको होमवर्क का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको उस पर क्लिक करना है। तो इसमें मान लो किसी को कुछ होमवर्क मिला है और आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो गूगल आपकी हेल्प करेगा। लेट से यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ PM ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बट अभी के लिए हम जस्ट चेक करते हैं कि ये किस टाइप से काम करता है। तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। ऑलराइट, तो देखो ये पूरा कैप्चर हो गया टेक्स्ट, और नीचे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में अच्छे से आ रखा है लिंक, और लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ये सब आ रखा है। तो यहाँ पे आप पहले वाला लिंक है उसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि करंट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। उसके बाद लेट से हम नीचे वाला क्वेश्चन है उसके बारे में सर्च करते हैं। तो नीचे वाला क्वेश्चन है वो है कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है। तो आपको नीचे यहाँ काठमांडू दिख रहा है, और उसकी काफ़ी इमेजेस भी आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये होमवर्क वाले सेक्शन का डेमो था। उसके बाद राइट में आपको शॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑलरेडी हमने सर्च वाले सेक्शन में एक्सप्लोर कर लिया है, बट स्टिल लेट से हम इस शैम्पू को सर्च करते हैं। अगर हमें ये फिर से ख़रीदना है तो हम यहाँ शॉपिंग पे जाके इस पर क्लिक करते हैं। तो देखो एग्जैक्टली ये का ये शैम्पू यहाँ पे आ गया है। अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीद रहे हो तो ये 499 में आएगा, अमेजोन पे 490 में आ रहा है। तो ये सेम डिट्टो शैम्पू यहाँ पे सर्च हो गया है। तो ये थे शॉपिंग के ऑप्शन। आप कोई भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हो डायरेक्टली उसका इमेज, आपको कुछ टाइप भी नहीं करना है, और आप उसका अलग अलग वेबसाइट पे क्या प्राइस है ये सब पता कर सकते हो। उसके बाद शॉपिंग के राइट में आपको प्लेसेस का ऑप्शन दिख रहा है, मतलब लेट से आपको एक फ़ोटो मिली है, आपको उस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता, जस्ट आपको कुछ जगह दिख रही है, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है और आपको वहाँ जाना है, तो ये वाला ऑप्शन है आपकी हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे डेमो के लिए मैंने एक ताजमहल की फ़ोटो रखी हुई है,
तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो इस पर नाम आ गया ताजमहल, बट आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो तो देखो इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी, रेटिंग, ताजमहल, ये कहाँ पे है, इसके अलग अलग टाइप के एंगल से पिक्चर्स, ये सब आ जाएगा। इसके बाद प्लेसेस के राइट में आपको डाइनिंग का ऑप्शन दिख रहा है। तो लेट से आपको एक डिश पसंद आ गई है बट आपको पता नहीं है कि उस डिश का नाम क्या है या ये डिश कहाँ पर मिलेगी, तो डाइनिंग वाला ऑप्शन वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। तो आपको डाइनिंग पर क्लिक करना है। लेट से यहाँ पर हैदराबादी बिरयानी का एक फ़ोटो है, तो आपको यहाँ पर आके इसको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखो आपको अलग अलग टाइप की बिरयानी के ऑप्शन मिलेंगे, बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, और आपको ये कहाँ मिलेगी, ये सारे ऑप्शन, सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी। इसके बाद हम एक लास्ट ऑप्शन और चेक करते हैं, फिर से हम ट्रांसलेट पे आते हैं। तो लेट से आप चाइना, ताइवान या हांगकॉन्ग, ये सब कंट्रीज़ में से कहीं घूमने गए हो, तो वहाँ पर लोग बोलते भी चाइनीज़ है और लिखा हुआ भी आपको सब कुछ चाइनीज़ में मिलेगा। तो ये एक मेन्यू है चाइनीज़ में, तो यहाँ आप देख सकते हो चाइनीज़ टू इंग्लिश में ये ट्रांसलेट हो गया है। आपको अगर हिंदी में करना है तो आप हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो देखो ये चाइनीज़ टू हिंदी ट्रांसलेट हो गया है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट ट्रांसलेट होगा, बट स्टिल आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि ये पर्टिकुलर डिश है वो कैसे बनी है। तो आप यहाँ पे कुछ चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसलेट वाला ऑप्शन है आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये सब ऑप्शंस थे गूगल लेंस के अंदर, तो आपको समझ आ गया होगा कि गूगल लेंस से वो आपके लिए कितना यूजफुल साबित हो सकता है, आपकी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उनको कितना सॉर्ट कर सकता है, आपका कितना टाइम बचा सकता है। एंड अगर आप कोई फॉरेन कंट्री में जाओ तो वहाँ पर भी गूगल लेंस आपकी हेल्प करेगा। एंड लेट से आपको एकदम से कोई रेंडम चीज़ दिखी है, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो गूगल लेंस से वो आपको काफ़ी हद तक उससे सिमिलर चीज़ें हैं वो सर्च करके बता देगा। ऑलराइट, तो आई थिंक इस वीडियो में हमने गूगल लेंस के जो भी बेनिफिट बताए हैं कि किस टाइप से ये आपका टाइम सेव कर सकता है या आपके जो भी मैनुअल एफर्ट्स हैं उनको कितना कम कर सकता है, ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप अपने एंड पे इसको एक बार एक्सप्लोर करो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इस वीडियो से ही आपको समझ आ गया होगा कि इसमें कितने इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है, तो एक बार इसको ज़रूर एक्सप्लोर करना। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। अगर इस चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में।